नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम रोज लेकर आते हैं सुबह सुबह आपके लिए करंट अफेयर्स का ये स्प्रेस चला रहे हैं आपके लिए। आज ये नवा पार्ट, और साथ ही साथ आपको बताएं कि आज है 14 अक्टूबर 2019, तो आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सब प्रेजेंट होगा आपके सामने। यदि आपको चाहिए इस वीडियो का PDF, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर जुड़ जाइए। जितने वीडियो हम लाते हैं आपको दिन भर में, वहां पे PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जैसे हम वीडियो लेकर आएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बढ़ते आगे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निर्मला सियोराड जिन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मेरे दोस्त। ठीक है, स्प्रिंट, कुश्ती, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर की हम यदि बात करें तो राइट आंसर आपका होगा नंबर ए होगा, स्प्रिंट से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, स्प्रिंट खेल से। ठीक है, निर्मला सियोराड इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1995 में। कब हुआ है? 15 जुलाई 1995 में। एक भारतीय धावक हैं जो 400 मीटर की स्पर्धा को, कितने मीटर की? 400 मीटर की स्पर्धा में माहिर हैं, और डोपिंग के लिए उन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। किसके लिए भाई रोका गया है? 4 साल के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, और 2017 एशियाई चैंपियनशिप से 2 खिताब छीन लिए गए हैं। ठीक है, इनके साथ 2 स्टेप इनके ऊपर लिया गया है। ठीक है, तो यहां से इतने क्वेश्चन बनते थे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए अपने सखा मित्रों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे जुड़ पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यायाम ड्रामा गार्जियन निम्नलिखित में से किस देश के बीच है? ठीक है, तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है भारत जापान, भारत अमेरिका, भारत चीन एंड भारत ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जल्दी से यदि हम राइट आंसर की बात करें मित्रों, तो राइट आंसर होगा नंबर ए आपका, राइट आंसर होगा भारत और जापान के बीच। ठीक है, यह भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, व्यायाम ड्रामा गार्जियन एक वार्षिक परीक्षण कार्यक्रम है जो 2018 से भारत में आयोजित किया जा रहा है। भाई ये कब से आयोजित किया जा रहा है? 2018 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं कह रहा हूं कि लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है मेरे दोस्त, कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही तत्पर खड़ा रहते हैं, आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए, ऐसे ही कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति त्रिपुरा से मिजोरम वापस लौटना शुरू कर देती है, जो अब एक दिन पहले खबरों में थी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति त्रिपुरा से मिजोरम वापस लौटना शुरू कर देती है, जो अब एक दिन पहले खबरों में थी? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी समय दी राइट आंसर की यहां पे बात करें मेरे दोस्त, तो राइट आंसर होगा नंबर बी, ब्रू। ठीक है, हजारों ब्रू जनजातियां जो हैं त्रिपुरा से मिजोरम लौटकर त्रिपुरा में शिविरों में रहने लगती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रेजेंट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन पहले व्यक्ति का नाम है जिसने 1965 में स्पेस वॉक किया था, लेकिन हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। ठीक है, आराम से यहाँ पे चलते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यदि हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ए होगा आपका राइट आंसर, एलेक्सी लियोनो। ठीक है, उनकी मृत्यु हाल में हुई है, जिसको मतलब क्या किया गया था, 1965 में स्पेस वॉक किया था इन्होंने, पहले ये व्यक्ति हैं। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि एलेक्सी लियोनोव पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने दुनिया में पहली बार स्पेस वॉक किया था। सोवियत संघ के एलेक्सी लियोनोव का रूस में ही हाल ही में 85 वर्ष मतलब 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
18 मार्च 1965 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय में 12 मिनट के लिए स्पेस वॉक किया था। तो यहाँ से इतने स्पष्टीकरण, इतने एक्सप्लेनेशन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सऊदी अरब में अतिरिक्त 3000 सैनिकों को तैनात किया है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, इंग्लैंड, संयुक्त अरब अमेरिका, फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, तो यदि हम राइट आंसर की बात करें मित्रों, तो राइट आंसर होगा आपका बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, ईरान के लिए विशेष अमेरिकी दूत ब्रायन हुक ने हाल ही में घोषणा की है कि कौन है ईरान के विशेष अमेरिकी दूत, कौन है भाई, ब्रायन हुक हैं, जिन्होंने हाल ही में घोषणा किया है कि संयुक्त राज्य सऊदी अरब में अतिरिक्त 3000 सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है। तेल सुविधाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सऊदी अरब में सैनिकों को तैनात किया जाएगा। किसके रीजन से भाई, तेल सुविधा को अधिक क्या, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय पीएम मोदी और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किस पर मिलते हैं, तिरुपति, मेमलापुरम, पूरी, अंबिकापुर। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हम राइट आंसर की बात करें मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नंबर टू आपका, नंबर बी राइट आंसर होने वाला है, ममलापुरम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अक्टूबर 2019 में 38वें भारत कालीन एक्सपो में से कौन सा आयोजित किया जा रहा है, लखनऊ, वाराणसी, भुवनेश्वर, सुल्तानपुर। ठीक है, तो जल्दी से यदि हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें मित्रों, तो राइट आंसर आपका होगा नंबर बी, वाराणसी। ठीक है, 38वां इंडिया कारपेट एक्सपो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा 38वां इंडिया कारपेट एक्सपो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो का आयोजन कार्प एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग, जिसको हम कहते हैं CPC, क्या कहते हैं, CIPC कहते हैं, द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य विदेशी कालीन खरीदारों के लिए भारतीय हाथ से बने कालीनों और अन्य फर्श कवरिंग की सांस्कृतिक विरासत और बुनाई कौशल को बढ़ावा देना है। यहाँ से इतनी बातें निकल के आती हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट में 7वां दोहरा शतक लगाया है हाल ही में। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है चार, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना और रोहित शर्मा। तो यदि हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, तो राइट आंसर होगा नंबर ए आपका, विराट कोहली जी ने। ठीक है, विराट कोहली 254 रन, ठीक है, कितने रन, 254 रन विराट कोहली ने 254 बनाकर टेस्ट में 7वां दोहरा शतक अपना लगाया है, जो भारतीय द्वारा सबसे अधिक संख्या में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कादरी गोपालनाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया गया था उनके द्वारा। ठीक है, तो गिटार, वीणा, सैक्सोफोन और पियानो। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करें मित्रों, तो यहाँ पे क्या होगा, सैक्सोफोन इन्होंने बजाया था। ठीक है, प्रख्यात सैक्सोफोन प्रतिपादक कादरी गोपालनाथ का मंगलुरु में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला महिला स्नातक ऑनर्स का नाम है, जिसके लिए हाल ही में गूगल ने डूडल समर्पित किया है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, कामनी राय, अमदितिका देशबंधु, सपना वर्मा, पायल द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करें मित्रों, तो राइट आंसर होगा आपका नंबर ए, कामनी राय। ठीक है, गूगल डूडल को कामनी राय की 155वीं जयंती पर बनाया गया है। वह स्नातक, वो भी ऑनर्स की डिग्री पाने वाली भारतीय इतिहास की पहली महिला थी। उनका जन्म कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1864 को ब्रिटिश भारत के बेकरंजन, कहाँ पे, बेकरगंज में हुआ था, सॉरी बेकरगंज जिले में हुआ था। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ ये चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से फैमिली में जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ हर रोज़ लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।